मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जनूबी ऑन्टेरियो में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। जनूबी ऑन्टेरियो के बास इलाकों में 60 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान। टोरंटो में इस हफ्ते ज्यादा बर्फ जमा होने की तवक्को नहीं। टोरंटो पुलिस की मंशियात के खिलाफ तारीखी कार्रवाई। टोरंटो में अब तक की सबसे बड़ी मंशियात की खेप पकड़ी गई। ऑपरेशन के दौरान 671 किलोग्राम गैर कानूनी मंशियात जब्त की गई। चीनी इंसानी हुकूक के लापता कारकुन की बेटी का कनाडा में चीन और वियतनाम के सिफारत खानों को खत। कैनेडियन हुकाम को डोंग गवांग पिंग तक रसाई देने का मुतालबा। कैथरीन का कहना था कि इनके वालिद को कनाडा भेजा जाए। एशिया पैसिफिक। चीन ने आलमी ताकतों को खबरदार कर दिया। चीनी सदर का कहना था कि एशिया को बड़ी आलमी ताकतों के मुकाबले का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। नई सर्द जंग छेड़ने की कोशिश की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। गजा में आग भड़कने से 7 बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। शदीद इसराइली मुहासरे की वजह से आग पर बरवक्त कंट्रोल ना किया जा सका। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के जनूबी इलाकों में 60 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में 75 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का भी इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जनूबी ऑन्टेरियो में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के जनूबी इलाकों में 60 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में 75 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का भी इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा ने जुमेरात की रात से शुरू होने वाले बर्फानी तूफान से पहले बैरी, ऑरिडिया, मिडलैंड, बैरी, साउथ मिस्कोका, नियाग्रा और किंगस्टन प्रिंस एडवर्ड काउंटी के इलाकों में बर्फानी तूफान की घड़ियाँ और इंतबाहात जारी किए हैं। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि पैरी, साउंड, मिस्कोका, सिमको, दहली, नोराफॉल्क और ग्रे ब्रोस के इलाके समेत कुछ इलाकों में इतवार की रात तक 60 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ सकती है। मुकामी तौर पर कुछ इलाकों में 75 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ सकती है, जो मुकाम के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। सूबे के कुछ हिस्सों में मुतवक्के बर्फबारी अमरीका में मौसमी निज़ाम के मजबूत होने का बराह रास्त नतीजा है। जुमेरात को मगरबी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में ख़तरनाक तूफान से पहले हंगामी हालत का ऐलान किया गया था, जो कई फीट बर्फ़ को फेंक सकता है। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि बर्फानी तूफानों को ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि हालात काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते हैं और चंद किलोमीटर के अंदर साफ आसमान से भारी बर्फ में तब्दील हो सकते हैं। टोरंटो में इस हफ्ते ज़्यादा बर्फ़ जमा होने की तवक्को नहीं है। माहौलियात कनाडा ने शहर और GTA में वीकेंड के दौरान कहीं भी 1 से 3 सेंटीमीटर तक की पेशगोई की है, क्योंकि दर्जा हरारत अंजुमात से ऊपर या उस निशान से कुछ नीचे है। टोरंटो पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी मंशियात की खेप पकड़ी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता माह सैकड़ों किलो क्रिस्टल मीथ और कोकेन पकड़कर तारीख रकम की है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टोरंटो पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मंशियात के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी मंशियात की खेप पकड़ी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता माह सैकड़ों किलो क्रिस्टल मेथ और कोकेन पकड़कर तारीख रकम की है। डिप्टी चीफ पॉलिन ग्रे की जानिब से की गई एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया, जहां 2 वसी मेज़ मंशियात के थैलों से ढकी हुई थी। ग्रे ने कहा, हम आज सुबह टोरंटो पुलिस सर्विस की तारीख में मंशियात की सबसे बड़ी जब्तगी का ऐलान करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है कि जब्तगी कम्यूनिटी को मजीद महफूज बनाएगी।
मजमुई तौर पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता माह एक ऑपरेशन के दौरान 671 किलोग्राम गैर कानूनी मंशियात जब्त की, जिनमें 520 किलोग्राम क्रिस्टल मिथाफिटामाइन और 151 किलोग्राम कोकेन शामिल है। ग्रे ने कहा, इतनी बड़ी तादाद में मंशियात की बरामदगी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जान बचाने वाली है। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से जहरीली अद्वियात से मुंसलिक ज्यादा मकदार के बारे में खबरदार करने के एक दिन बाद मुनक़िद की गई थी। मनदीप मन, जो मंशियात की यूनिट के सरबरा हैं, ने नोट किया कि मंशियात की जब्तगी का पिछला रिकॉर्ड अप्रैल में 286 किलोग्राम कोकेन और मेथामफेटामिन था। उन्होंने कहा, इन दवाइयों के बहाव को रोकने से मुमकिन हद से ज्यादा मकदार को रोका गया है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी को एक वबा का सामना है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने टोरंटो में दो पतों की नुमाइश की, जो मुबैना तौर पर मंशियात के लिए खुफिया तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। उनका कहना है कि 5 अक्टूबर को दो पतों पर और 3 गाड़ियों के सर्च वारंट पर अमल दरामद किया गया, जब मंशियात जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि वो 3 अफराद की तलाश कर रहे हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि वो मंशियात की स्मगलिंग से मुंसलिक हैं। उनका कहना है कि जब मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा तो उन पर स्मगलिंग के मकासद के लिए कोकेन और क्रिस्टल मेथामफेटामाइन रखने के इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। चीनी इंसानी हकूक के लापता कारकुन की बेटी वियतनाम और चीनी हुकूमतों से अपने वालिद के ठिकाने को जाहिर करने और इसे कनाडा जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी इंसानी हकूक के लापता कारकुन की बेटी वियतनाम और चीनी हुकूमतों से अपने वालिद के ठिकाने को जाहिर करने और उसे कनाडा जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर रही है। डोंग ग्वांगपिंग एक कारकुन जिसने पहले 1989 के त्यानान मैन स्क्वायर के तलबा के एहतजाज के खूनी नतायज को मिटाने की चीन की कोशिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अपनी बेटी के मुताबिक गायब हो गए। डोंग एक 64 साल कारकुन को 24 अगस्त को वियतनाम के दारकूमत होनोई से गिरफ्तार किया गया था, जहां से वो चीन की जेल से रिहाई के बाद फरार हो गया था। उनकी बेटी सिंकी की बेटी कैथरीन डोंग टोरंटो यूनिवर्सिटी की तालबा है और गुज़िश्ता मौसम गर्मा में कनाडा की शहरी बन गई है। 22 साल तालबा ने 80 दिनों से ज़्यादा अरसे से अपने वालिद की बात नहीं सुनी और खदशा है कि उसे चीनी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। कैथरीन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसे मुल्क में रहूँ जहाँ इंसानी हकूक नहीं है। अपने ख़ानदान से प्यार करते हैं और वो एक बहादुर जिंदा बच जाने वाले शख्स हैं। कैथरीन का कहना था कि मैं उम्मीद पर कायम रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे बदतरीन खौफ है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि वो मिस्टर डोंग की हिफाजत और तंदरुस्ती के बारे में फिक्रमंद है और हमारे खदशात को आला तरीन सतह पर उठा रहा है। हुकाम इसके ठिकाने का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं, बशमूल वियतनाम और चीन दोनों के साथ सिफारती ताल्लुकात के जरिए। अपने वालिद की इसी तरह की किस्मत के खौफ से कैथरीन डोंग और हामियों ने ओटावा में चीनी और वियतनामी सिफारत खानों को जाती अपील के खतूत भेजे। वो दोनों हुकूमतों से मुतालबा कर रही है कि कनाडा के हुकाम को फौरी तौर पर उसके वालिद से मिलने की इजाज़त दी जाए और उन्हें बगैर किसी ताखीर के कनाडा आने दिया जाए। चीनी सदर ने कहा है कि एशिया पैसिफिक लावारिस नहीं और इसे किसी का मैदान बनने नहीं देंगे। नई सर्द जंग छेड़ने की कोशिश की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। चीनी सदर ने हरीफ ताकतों को एशिया पैसिफिक में मदाखलत से खबरदार कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि एशिया को बड़ी आलमी ताकतों के मुकाबलों का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। चीनी सदर इंडोनेशिया में G20 इजलास के बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन इजलास में शिरकत के लिए थाईलैंड पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बैंकॉक में एक तकरीब में शिरकत करके तकरीर करना थी, ताहम बास अहम मुलाकातों के बायस वो शरीक ना हो सके, जिस पर उनकी तकरीर के नुकात पर मबनी बयान मीडिया को जारी किया गया। उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक लावारिस नहीं और इसे किसी का मैदान नहीं बनने देंगे। नई सर्जन छेड़ने की कोशिश की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। शी जिनपिंग ने कहा, एशिया किसी भी आलमी ताकत के मकान का सहन नहीं। उन्होंने दुनिया में किसी भी तरह की सर्जन की सोच मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें कुशादगी और जामा राह अपनानी चाहिए। मुआशी और तजारती ताल्लुकात में हथियारों और सियासत को भी सबकी तरफ से मुस्तरद किया जाए। उनका कहना था कि जियोपॉलिटिकल तनाव और उभरती हुई इक्तिसादी सूरतेहाल दोनों ने एशिया पैसिफिक के तरक्याती माहौल और तआवुन के ढांचे पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए शी जिनपिंग ने ममालिक से राबते बढ़ाने, जामे तरक्की को फ़रोग देने, सामान और खदमात की नकल व हरकत के तहफ़ के लिए मुस्तहकम और बिला रोक टोक सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया है।
फलस्तीन के गुंजान आबाद इलाके गजा में मकानात में आग भड़कने से 7 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद जल कर जा बहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फलस्तीन के गुंजानाबाद इलाके गजा में मकानात में आग भड़कने से 7 बच्चों समेत कम अज़ कम 21 अफराद जलकर जा बहक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस वाक़े को कौमी सानहा करार देते हुए यौम सोग का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा के रिहायशी पट्टी पर यह आग जबालिया कैंप में एक बिल्डिंग में लगी थी, जिसने दीगर इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ताहम शदीद इसराइली मुहासरे की वजह से आग पर बर वक्त कंट्रोल न किया जा सका। इसराइल के तवील मुहासरे को इस बड़े ज्यादा जानी नुकसान का सबब ठहराया गया है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीमें मकबूजा फलस्तीन के दीगर इलाकों से बर वक्त चाय वकुआ तक नहीं पहुंच सकी। मुकामी अस्पताल के इंतजामी सरबराह के मुताबिक आग से झुलसी हुई आने वाली लाशों में से कम अज कम 7 बच्चों की लाशें भी शामिल हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने वाकये का नोटिस लेते हुए अथॉरिटी को मुतासरीन के लिए तिब्बी और दीगर नौयत की मदद फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत जारी कर दी हैं। सदर महमूद अब्बास ने इजरायली अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि वो गजा का मुहासरा खत्म करे, ताकि आग लगने के इस वाक़े से मुतासर अफराद को बचाया जा सके। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जान से जाने वालों के अहले खाना से ताजियत का इजहार करते हुए जुमे को एक रोज़ा सोग का ऐलान किया है। हमास की जानिब से कहा गया है कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है, ताकि आग लगने की वजह मालूम की जा सके। जाय हादसा जबालिया गजा के 8 पनाहगुजीन कैंपों में से एक है, जहां 23 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं और यह दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजानाबाद इलाकों में से एक है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।